मम्मी ये कौन सी पापड़ है ऐसी? मम्मी कुछ नई टाइप की पापड़ लेके आ रही है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया ना, आज मिताली और कन्नू का रिजल्ट आ गया है। तो वैसे सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया है और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेंटिस्ट को दिखाना था, मैंने डेंटिस्ट को भी दिखा लिया और स्किन वाले को भी दिखा लिया। और सबसे बड़ा काम, मैं मैक्स की ना वैक्सीन लेके आ गया हूँ आज, तो कल मैक्स की वैक्सीन भी लगवानी है। माता जी ठीक हो? ठीक। पैर कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया, धूप सेको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के ना 7:30 बज रहे हैं और चारों तरफ जो है ना मौसम ख़राब हो रखा है। देखो धूप तो निकल गई है पर बादल के पीछे सूरज देवता छुपे हुए हैं, पूरा मौसम ख़राब है। और एक चीज़ अच्छी हो गई है ना, देखो चारों तरफ पूरी ग्रीनरी हो गई है, जो बिल्कुल सूखा था वो सब ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं एक दो दिन से बाहर था, नाना जी की तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको हम लोग ले गए थे हल्द्वानी, पर वहाँ से भी डॉक्टरों ने उनको वापस भेज दिया। बस नाना जी की अब सेवा चल रही है और कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई है। और इस बार होलियाँ भी उतनी खास नहीं निपटी, क्योंकि मैं होलियों में यहाँ पर था ही नहीं, नाना जी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मम्मी और मैं अधिकतर टाइम वहीं पर थे। फिलहाल आज का प्लान ऐसा है कि मैं चाची और नाना बूजी, छोटे वाले बूजी यानी छोटे वाले भूबूजी को लेके मैं जा रहा हूँ चंपावत, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको भी टाइफाइड हो रहा है, तो उनको भी एक बार हॉस्पिटल दिखाना है। तो अभी चाचा और मैं लेके जाएंगे उनको हॉस्पिटल, उससे पहले मैं फटाफट नहा लेता हूँ, पूजा वूजा करके बिल्कुल रेडी रहते हैं, फिर निकलेंगे। बाकी देखो गुलाब का फूल कितना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो गई है इसकी। अगली बार इसमें थोड़ा और कटिंग कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, ये दोनों लगभग बराबर हो गए। बाकी पौधे भी बढ़िया हो रहे हैं, देखो एक पौधा मैं ये लाया था ये भी होने लग गया। तो दोस्तों फाइनली मैं हो गया हूँ नहा के तैयार और नाश्ता भी मैंने कर लिया है और आज धूप आने का ना कोई चांसेस नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखो मम्मी ने आमा को नहला के धूप में बैठा दिया है, दो दिन से हम लोग यहाँ पे थे नहीं तो शायद आमा को पापा ने नहलाया नहीं होगा, तो मम्मी ने आके नहला दिया। और छोटी वाली आमा भी अपने आसन में बैठ चुकी हैं। माता जी ठीक हो? पैर कैसा है आपका? ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, धूप सेको। और मिताली? तो हम लोग भी तैयार हो गए, बूबूजी लोग तैयार होके ऊपर चले गए हैं, फटाफट से तैयार हो गए, मैं भी जाता हूँ ऊपर। तैयार तो मैं हो गया हूँ, बस मैंने जूते पहनने और जाना है। बहुत दिनों से ना हम लोग ट्रैवलिंग में ही थे तो गाड़ी इतनी ज्यादा गंदी हो रही है, पूछो मत, अंदर से भी हो रही है, बाहर से तो पूछो ही मत। और अंदर मैट में भी मिट्टी भर रखी है जम के। अब आज तो नहीं, कल साफ करेंगे अच्छे से। और मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गाड़ी का पिछला वाला टायर पंचर हो गया, अगर पंचर होगा ना तो भाई मूड खराब हो जाएगा। अभी चेक करता हूँ, टायर पंचर हो रहा है। शिट, ये वाला ना टायर ही पंचर हो रहा है, थोड़ी तो हवा है इसमें, पार्टी तक तो चली जाएगा। चल देखते हैं पार्टी तक, चलो फिर चलो बैठो। कन्नू ये लैपटॉप गोद में पकड़ लेना, गोद में पकड़ो, थैली भी है उधर, पापल तो चले आएंगे। गोद में आओगे हैं? तो बूजी की गोद पे चले जा गए। और ये बैग पीछे रख तो कन्नू, जा मैं डिग्गी खोल लूं। हम लोग जैसे ही चंपावत पहुंचे ना, इतनी ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम एकदम ही बदल गया, क्योंकि जब हम लोग घर से चले थे तो सुबह मस्त धूप आ रही थी और हल्के हल्के बादल थे कहीं कहीं पे, बारिश ने ना बिल्कुल ही मौसम बदल दिया और ठंड होने लग गई थी ज़बरदस्त। तो हम लोग ना चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच ही गए थे। तो आजकल ना पता नहीं क्या टाइम चल रहा है, मतलब जब से एक तो नाना जी की तबीयत ख़राब हुई है तो सब लोग घर में वैसे ही परेशान है, और फिर अभी चाची और बूबू जी की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो इनको भी हम लोग फिर इनका चेकअप कराने के लिए चंपावत ले आए। तो बहुत ही मतलब बुरा टाइम निकल रहा है ये,
मतलब एक पेशेंट घर छोड़ रहा हूँ तो दूसरा रेडी हो जा रहा है। पता नहीं ऊपर वाला क्या परीक्षा लेने में लगा हुआ है हमारी। खैर उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पर पहुँच गए हैं। सुबह के निकले हुए थे तो पूरा दिन लग गया लगभग वहाँ पर हॉस्पिटल में। और मेरे को डेंटिस्ट को दिखाना था, मैंने डेंटिस्ट को भी दिखा लिया और स्किन वाले को भी दिखा लिया। और सबसे बड़ा काम, मैं मैक्स की ना वैक्सीन लेके आ गया हूँ आज, तो कल मैक्स की वैक्सीन भी लगवानी है। सुबह देखो कितना ख़तरनाक मौसम हो रहा था, अभी तो मस्त हो गया। और सामने देखो सूरज देवता अस्त हो रहे हैं, बूबू जी थक गए हैं। मैक्सी क्या कर रहा है तू? आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया ना, आज मिताली और कन्नू का रिजल्ट आ गया है। तो वैसे सारे सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया है और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिताली क्लास में अपनी सेकंड आई है तो मिठाई लेके खड़ी है मेरे लिए। ला दिखा, ये मिठाई लेके आई है। चचा से मंगवाई है, तू खुद लेके आई है? पापा लाए थे। टेस्टी है मिठाई तो। चॉकलेट भी है। आप लोगों ने ना पिछले दिन देखा होगा, हम लोगों ने कुछ बीज रखे हुए थे पुराने फूलों के, तो वो बीज जो मैंने लगाए थे ना, आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है उनकी। देखो पुराने फूलों के जो बीज थे मैंने इसमें लगा रखे थे, कितनी बढ़िया ग्रोथ हो गई है इनकी। इसमें भी हो रहे हैं, इनमें चेक करता हूँ एक बार, इसमें भी हो रहे हैं देखो। और इसमें चेक करते हैं एक बार, हाँ इसमें भी हो रहे हैं। कन्नू तेरी मिठाई कहाँ है? बस एक ही में निपटा दिया तूने, इसके हिस्से की नहीं लाए? क्यों नहीं लाए थे? मम्मी ये कौन सी पापड़ है ऐसी? मम्मी को नए टाइप की पापड़ लेके आ रही है। मौसा जी ने धन्यवाद। टेस्टी हो रही है, सही लग रही है आपको? सही लग रही है आपको है? पापड़ ठीक है लेकिन जो पूरी चौड़े उसमें डिजाइन ज्यादा है।